स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको देखने को मिलती है खूब सारी रोस्टिंग, थोड़ा बहुत रुबी और बहुत सारी मस्ती बिना किसी एड ब्रेक्स के। हाँ हाँ जी बिना रुकावट के लिए, मनोरंजन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी मौज मस्ती बकचोदियां यूं ही, और दिखाते रहिए प्यार कमेंट्स में। तो भाई बहुत दिन बाद हम लोग लौटे हैं, कुछ हम अपने लोग करते क्या हैं? लोग तो मजदूर है ना, मतलब अपनी मजदूरी खत्म करने के बाद जो अपना वीकेंड आता समय है, निकलता है उसमें। पिछले वीकेंड हम थोड़ा बाहर थे, बाहर इतना बहुत बाहर नहीं थे, घर ही गए थे, तो अभी फिर से लौट चुके हैं। इस वीकेंड थोड़ा सा टाइम पाया है अभी हम लोगों ने, तो तुरंत तुरंत बैठ गए हैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। स्लेव्स, ये लोग तो रिलेट कर ही लेंगे यार, ये हाँ, लोग तो अपने भाई लोग बट हम हैं, लोग इन लोग के भी स्लेव्स बन गए ना, हम लोग तो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं भाई इन लोग, लोग का। इन लोग का इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो अपन। कॉर्पोरेट लाइफ में हम लोग एक मजदूर हुए, इन लोग के लिए हम लोग रंडी टाइप हो गए, नहीं इनको एंटरटेन कर रहे हैं हम हम लोग लोग। उनके फ्रेंड हो गए, दोस्तों अच्छा, के साथ तो होता है ना मित्र मस्त मित्र एंजॉयमेंट होती है बट केवल, ओनली वर्चुअल, नहीं है मिल सकते, अब टाइम नहीं है ना सबके पास, सब लोग स्लेव है इस बिजी टाइम। बहुत है। शेड्यूल तो देखो भाई टाइट रहता है, चाहे नाम हो चाहे ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज कल आए हो? आज हम लोग लाए हैं मेन एट वर्क, ओहो ये भी यहाँ भी काम, यहां पर भी, और अरे यार स्पेसिफिकली मेन फ्री स्टाइल। कर्मा का। करम भाई जी गाने तो ऐसे सही सही गाते हैं, देखते हैं फिर देखते आज हैं। इसमें क्या किया है, फ्री स्टाइल है। काफी ब्लंट एंड आई हिट दैट, दिल लगी के दर्द में नहीं काम करते सीधे, इसलिए गानों को नहीं नाम को बस हेट करे सीधे। 12 बजे गाना, 12:01 बोले मिड है, बिना सुने बिना जाने ना दिमाग में झाके जब करूं ड्रॉप, इट्स अ फीस्ट, ये खैरात में खाते हैं मेकिंग सॉन्ग्स, पर ज्ञान ये खैरात में पाते, लिखता अकेला पर सॉन्ग्स में सब चैंट्स में। एंड आई राइम लाइक अ किंग एंड आई फाइट लाइक अ प्रिंस, और ये देख रहे हैं कब होगा क्राउन फॉल, आईज ऑन द प्राइस, लिखूं डाउन और कमाऊं और ऐसी ग्रेटनेस का कैसे होगा डाउनफॉल। सरल जीवन बितारा पर इनमें अकल थी कम, सीन पड़ा ठंडा चाहिए हीट, लारा समर सीजन, दीप की एल्बम में फीचर से जाना असल रीजन, यू वर इन इट बिच, दैट इज व्हाई इट वाज टनल विजन, फर्क नहीं पड़ता साले एक है या चार है। ना भाई ये यहाँ पे इसने बोला वो यू वांटेड अ बिच, इट वाज अ टनल टनल विजन, विजन, ये इसने उसके लिए बोला है, ये उसका दीप कालसी के संगीत पर। हाँ, उसका क्या नाम है यार, एग्जी, एग्जी, एग्जी एक लेडी सिंगर है, हाँ, समझ रहे जो पहले उसमें आई थी लव ना, जिया। हाँ, कहाँ आई थी पहले एग्जी तो उसमें आई थी ना, असल में आई हसल में थी। आई थी, हाँ, वो और उसके साथ हाँ पाकिस्तान का एक रैपर समझ रैपी गया समझ वाला, गया समझ गया, उन लोग का एक गाना आया था, हाँ, तो उसको लेके डिस किया है। और एक बार और बीच में अभी वो क्या कर रही है, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट वीडियोस में डिस करते हुए इसको डाल रही, शॉर्ट्स ले रही इसके ऊपर। और ऑलरेडी इसने भी मतलब उसका नाम यूज किया है गाने में, बट वो अच्छा। पता नहीं किस में लिया था बट ये। इन दोनों कंट्रोवर्सी में सुना था कि लोग बोल रहे थे कि एग्जी ने गाने में इसको बोला है, हाँ, बट वो गाने में ऐसा कुछ सीन था नहीं, मतलब एक नॉर्मल उसने वर्ल्ड बोले थे तो वो कोई भी रिलेट कर सकता था अपने ऊपर। तो एक मैंने सिर्फ एक ही सुनी थी, रील पे ही सुना था, तो वो चीज़ उसके ऊपर नहीं बैठ रही थी, तो वही हुआ कि सबका ये बट लिखा कि उसने तो ये तो बोला है ना, कर्मा का माइक्रो पीनिस वो तो कुछ, कर्मा झाट से लौड़ा ऐसे हाँ करके बोल दी वो, तो हकला आया है बताने उसको। अभी तो देखो कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है इन लोग की, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग फर्जी उड़ जाते हैं, हम लोग से कंट्रोवर्सी करते नहीं, ये लोग इन लोग की गम हम दम लोगों नहीं से है, गांड फट जाएगी क्या? गांव फर्शी ना इन लोग की। लगी गांड फंस जाती है। चलो ठीक है लाए यार गाना सुनते हैं यार। स्टार्ट करते हैं, टनल विजन से बाहर निकल ये जॉ ड्रॉपिंग बार्स को सीरियसली ले रहे स्मार्ट एस, फेल टीवी शो के बाद फेल रैपर के बाद फेल पेडलर, वेल नॉट रियली अ फ्लेक्स, बबल से बाहर निकलो पेनो फकिंग लेंसेज, ये जॉब नहीं तुम्हारे लिए, लुक फॉर अदर पेंशन, दुनिया मक्कार जैसे गाने लेके आ रहा, नई वाइब थी बना रहा पर ये बैठते नहीं चैन से, ये पोक कर रहे और सोचते इनका चांस है, उड़ता तीर ले रही और आउट ऑफ फकिंग सेंसेस, गेम में कर्मा सेंस से खेलते नहीं है नाम से, तान से नहीं बनते टूटे जबड़े मोटी गांड से, छू भी नहीं सकते इनकी पहुंच के भारू, आस पास सांप भी सांप पे मैं और ओची मारू, आस पास मास्क नकाब बैं और गाने इन्फेक्शियस, फ्लो फ्लू स्पिटिंग सिक जैसे बीमारू, और ये चेज में लगे हैं इनके फेस देखो, डोंट कॉल मी का बट सीन में हूँ इस देखो, नाम नहीं रफ्तार पर मूव्स हाई पेस देखो,
यानी सिंह नहीं पर बच्चे बिगाड़ू सर पे लगे केस देखो नाम नहीं बादशाह वो फिर भी होरी पानी पानी डॉलर साइन नहीं बड़ा टू लाइक दोस्त टू जापानीज नाम डिवाइन नहीं पर शहर आके देख तेरी माँ से तो छोड़ तुझे बाप से मिलाता हूँ शीशा दिखाऊं तुम्हें सांप से मिलाता हूँ घेरते इलाके में राज्य फैलाता रिप्लाई पे डिपेंड मैं इनका भाग्य विधाता इनका घर अपना घर सिंगल हैंडेड चलाता माना फूकते पर फूक के बस बड़े नहीं रहते दिल बड़े रखते कभी शहर बड़े नहीं रहते let me give you an advice ते बड़े भी कहते झुकते पहाड़ के आगे सब बड़े खड़े नहीं रहते अभी बस वार्निंग देता है लड़का सिर्फ वार्निंग है भाई ये तो अभी तो कहाँ फाड़ सकता है अभी तो गांठ फाड़ेगा ये मतलब अभी उसने कहा है कि समझ जाओ नहीं तो अभी मैं आ रहा हूँ फिर और अच्छा डंडा लेके आऊँ फिर तो, बट इसने यहाँ पे आखिरी में जो इतने सारे बाकी आर्टिस्ट लोगों को शार्ट आउट दिया है तो उसने शार्ट आउट दिया है कि बस पब्लिक खींचनी चाहिए वो एक तरीके से बोल रहा है कि ये लोग अपने बंदे लोग सही लोग हैं ये भैया लोग हैं इन लोग से पंगा नहीं लेना है तो ये लोग भी मिलके फैंस लोग इसका भी मिलके फिर एग्जी को पहले जाके कर सकता है ना बट कुछ कुछ को तो हनी सिंह को तो क्या बोलते हैं बच्चे बिगाड़ो मतलब वो उस सेंस में बोला मैंने लौंडे बिगाड़े हैं ये लौंडा भी एक शब्द नहीं बोला था माँ जो गाने के अलावा नॉर्मल लाइफ में करता रह जाएगा लौंडा बिगाड़ेगा ये झाट में लौंडा बिगाड़ेगा तो कर्मा भाई जी अभी थोड़ा सा परेशान है वो चाहते हैं कि हम भी बोल सकते हैं ये बोल रहा है वो इसलिए अब भैया लोग भी मेरे गड़े हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ तुम लोग छोटे लोग मैं तुमसे बात नहीं तुमसे बात नहीं करूंगा इसका कहने का मतलब ये था कुछ तो मेरे हिसाब से ये अगर इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आड़ चटाई नहीं हो गई कह सकते हो भाई है ना कुछ मैनेट वर्क है ना कहने को तो बहुत सारी चीजें मैनेट वर्क है ना वो अभी आदमी काम पे लगा हाँ, तो काम पे तो चटाई ही होती है केवल काम पे तो चटाई ही होती है तो फिर गाने बारे में सब कंट्रोवर्सी छोड़ो सिर्फ गाने गाने की बात गाना अच्छा लगा मुझे गाना ठीक था मेरे को अच्छा लगा और कुछ बोलना चाहोगे नहीं मस्त जिस मैं देखो हम लोग आते हैं यहाँ पे बदतमीजी निकालने के लिए इनकी मतलब तारीफ नहीं करने आते हैं ना हम लोग गलती पकड़ने आते हैं गलती नहीं पकड़ पाए तो अच्छा लगा बोल के छोड़ देंगे गाना वैसे रैप के हिसाब से ठीक था मेरे को भी लग रहा था मतलब मैं पहले सोच रहा था गाने को लास्ट में यही रिव्यू दूंगा कि गाना ठीक है बाकी मैं देख रहा था कि कौन क्या क्या बोल रहा है ये तो वही है कि वो मैनेट वर्क है बस बता रहा है कि मैं भी काम करता हूँ जुबान लंबी हो गई है घर में वही नहीं होता इंसान जो घर में है बैठा है ऑफिस में जाता है और तो हमेशा कहता रहता है बहुत काम बहुत काम और मैनेजर और सब अपने टीएलवीएल के पास जाके चाटना शुरू कर दो वो वाला सीन है तो उसने नाम पहले लिख दिया इसलिए कह रहा तुम हम लोग स्पेशली बोला गया इसने मैं अगर गाना डाल दूंगा नाम किसी और डाल के तो तुम लोग पकड़ लोगे तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ पहले ही ऐसे लिख दे रहा हूँ तो कुछ बोले नहीं पाओगे भाई ठीक है कर्मा सुनेगी तुम्हारी भी सुनी जाएगी ऐसा नहीं इसी व्यक्ति की सुनी जाएगी उसके तो गाने नहीं सुनते हम लोग तो गाने नहीं सुनते शॉर्ट्स में दिखती है दो घोड़े के गाने लिखाती वो टनल विजन सुना था मैंने और एक बेला के साथ आया था वो सुना था वो भी खराब कर दिया था सुने यार तो भाई लोग गाने का तो रिव्यू यही रहा है कि बढ़िया है मार्किंग करनी है अब कर सकते हो वैसे मार्किंग क्या ही करोगे किसी की कंट्रोवर्सी में घुसने वाली बातचीत है मतलब प्रॉपर कंट्रोवर्सी में तो नहीं घुसा ना बाकी उसने फिर अलग भी अपना गाया हाँ, अपने भौकाल को दिखाते हुए मेरे से तो चार ले लो चार आठ हो गए दस में से पास वारी अकले बेटे अकले मस्त किया तो चलो भाई यहीं पे खत्म करते हैं फिर टाटा कैच टाटा भाई टाटा